ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां नारद राय एवं राम इकबाल सिंह ने ली भाजपा की शपथ। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज गाजीपुर के जमानिया रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और बताएंगे कैसे सीहोर में बुधनी में राजनीतिक लोगों के संरक्षण में हो रहे क्रिकेट का नाइट टूर्नामेंट में आचार संहिता का खुलकर हो रहा उल्लंघन। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलिया से है। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहाँ जनता की भारी भीड़ देखने को मिली। बलिया के समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं को मंच पर बुलाया गया। वहीं नारद राय और राम इकबाल को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि पिछले दिनों पूर्व मंत्री नारद राय सपा छोड़कर सपा के बारे में विवाद बयान दे रहे थे। आज अमित शाह के कार्यक्रम में मंच पर भाजपा का शपथ ग्रहण की। अरे अब देखिए, अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अब ये देखिए, मैंने अभी लोगों से अपना मन लिया। नेताजी आप भाजपा का ज्वाइन कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की तरफ इश्यू पॉलिटिशियन नहीं है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाइए। बुरी बात है, अखिलेश यादव कोटा है वे। अब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो इसे कहा बसपा वाला जीत जाए क्या? सर एक चीज है भाई, मैं कहा हूँ मैं तो पता ही नहीं है। नारद राय जी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम ही नहीं जानता। 45 साल से राजनीति करता हूँ तो यहाँ हमको भविष्य नहीं दिखाई दिया। तो अभी कोई मैंने कल डॉक्टर पूछा तो क्या भविष्य दिखाई इतने लंबे समय से सर आप समाजवादी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज गाजीपुर के जमानिया रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने मौर्य वंशियों समेत गाजीपुर की जनता जनार्दन से अपील कर कहा कि 1 जून को 75 लोकसभा गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय को भारी मतों से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 400 पार नारे के लक्ष्य को गाजीपुर से एक शीट कमल का फूल दिखाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। फिर हम गाजीपुर में 2014 से 2019 जैसी चौमुखी विकास गाजीपुर में और तेज गति से मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, पूर्व विधायक सुनीता सिंह, सुभाष पासी, विजय मिश्रा, पूर्व एमएलसी केदार सिंह, अभिनव सिन्हा, चेयरमैन अविनाश जायसवाल, रीना पासी, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, कृष्ण बिहारी राय, रमन शंकर उपाध्याय सहित इत्यादि लोग मौजूद रहे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर लोकसभा में दोहराई जा रही है। गाजीपुर के लोग गुंडागर्दी से आधे जा गए हैं। विकास विरोधी जनप्रतिनिधियों किया जा रहा है, उस शोषण के विरुद्ध कमल का बटन दबाने जा रहे हैं, कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं और पारसनाथ राय जी को गाजीपुर से सांसद बनाने जा रहे हैं। और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं इनके सांसद बनते ही दिल्ली और लखनऊ के खजाने का मुंह गाजीपुर के लिए खोल दिया। सामाजिक न्याय अखिलेश भाई, उनको हार के चौका की याद दिलाई। 4 बार हार चुके, अभी उनको समझ में नहीं आया। 5वीं हार के बाद उनका दिमाग जनता अपने आप ठीक करने जा रही है। 4 जून को समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून के बाद सरकार ही नहीं बल्कि मीडिया को भी बदलने का काम किया जाएगा। क्या वो मीडिया को तो रोज गाली देते हैं अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, लेकिन हम मीडिया निष्पक्षता से जो अपना समाचार दिखाते हैं उसका सराहना करते हैं। और आप निष्पक्ष होकर के निर्भीक होकर के अपनी जो रिपोर्टिंग है उसको करिए। कोई पत्रकारों की ओर अगर आग उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। श्री अखिलेश यादव जी के 2014, 17, 19, 22 के बयान देखिए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है। यहाँ थाना राया पुलिस और स्वाट टीम और थाना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों की बिक्री का कारोबार करने वाले शातिर अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रघुवीर सिंह मिर्जापुर थाना इगलास जिला अलीगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को सुबह चौकी बिचपुरी से अलीगढ़ रोड पर ग्राम मयारा के पास से 6 अवैध तमंचा, 315 बोर, 10 कारतूस, 315 बोर, 1 अवैध तमंचा, 12 बोर, 1 कारतूस, 12 बोर और अवैध शस्त्र और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस और स्वाट टीम को काफी दिन से सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति जो कि अवैध असलहों का सप्लायर है वो इस एरिया में ऑपरेट कर रहा है। इसके बारे में वो और जानकारी जुटाई गई तो ये पता चला कि ये हरियाणा, राजस्थान और ये अपना यूपी, यहाँ पर ये असलहे सप्लाई करता था, जिनको कि ये मध्य प्रदेश में खरीद करके लाता था इधर दतिया, भिंड इत्यादि इलाकों से।
तो इसको जो है ये पुलिस ने इसका मूवमेंट जो है काफी दिन से ट्रैप कर रहे थे, आज इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इसके पास से 7 तमंचे, भारी मात्रा में गोलियां तथा 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिससे कि ये जगह जगह घूमता था। इसके अन्य साथियों के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके ऊपर अभी हरियाणा से हमको एक मुकदमा पता चला है और बाकी अन्य प्रदेशों से भी जानकारी की जा रही है। देखिए इसके जो पुलिस टीम है इसके लिए इनाम का हम लोग संस्तुति करेंगे, 20,000 रुपये के इनाम का कप्तान साहब को, और उसको हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फातिमा रामपुर जिला जेल से रिहा हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मोहम्मद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा की जमानत मंजूरी की थी। मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां अन्य मामलों में जमानत ना मिलने के चलते अभी भी जेल से रिहा नहीं हुए। आजम खां सीतापुर जेल और अब्दुल्ला आजम खां हरदोई जेल में बंद हैं। जेल से झूठी है मैम, क्या कहने जाएंगे? कोर्ट ने आपको न्याय दिया है, जेल से झूठी क्या कहने जाएंगे? कोर्ट ने से कहीं ना कहीं इंसाफ जिंदा है, इंसाफ मिला है। तो क्या 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 उम्मीद रखती हैं आजम खान, अब्दुल्ला आजम ये अंदर क्या उम्मीद उनकी रखती हैं आप? देखिए हमें जो सजाएं दी गई हैं वो बहुत ही एक तरह से प्लान सुनियोजित षडयंत्र किया गया, जिसमें के सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन, सरकार, यहाँ तक के मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। जहाँ आपका जेल से रिहाई मिली है उसी मामले में, डोंगरपुर मामले में आजम खां को सजा हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहना ये चाहूँगी कि डोंगरपुर में जो मकान बनवाए गए वो सरकारी जमीन पर बनवाए गए, सरकारी पैसे से बनाए गए, सरकार ने बनाए हैं, उससे आजम साहब का या मेरा क्या किसी का कोई लेना देना नहीं। तो इसे आप जो आज मिला है इसे इंसाफ मांगती है, आज मानती हैं आप जो बाहर आई हैं कोर्ट से? इंसाफ की शुरुआत तो है ही। तो समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे अपने? बोल नहीं है ना, एक बात करने दीजिए। समर्थकों से यही कहना चाहूंगी कि आखिर सच्चाई की जीत तो होती। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। बुधनी में राजनीतिक लोगों के संरक्षण में हो रहे क्रिकेट का नाइट टूर्नामेंट में आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। नगर परिषद सीएमओ ने पीने पानी का टैंकर और खेल ग्राउंड उपलब्ध कराया, वहीं बिजली विभाग की दरियादली से बिजली दी जा रही है। पीडब्ल्यूडी के बैरिकेड का ग्राउंड पर उपयोग हो रहा है। बुधनी के दशहरे खेल ग्राउंड पर पिछले 15 दिनों से क्रिकेट का नाइट टूर्नामेंट देर रात तक चल रहा है, जिसका फाइनल आज है। लेकिन इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के कारण 4 जून तक आचार संहिता लगी है। टूर्नामेंट की अनुमति किसके द्वारा दी गई, क्योंकि ये खेल कुछ राजनीतिक लोगों के संरक्षण में हो रहा है। वहीं बुधनी में नियमों को ताक पर रखकर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को सहयोग कर नियमों को अनदेखा किया जा रहा है। नगर के वरिष्ठ वकील सतेंद्र सिंह सिवाच ने आयोजन संबंधित विभाग और बिजली विभाग पर आरोप लगाए हैं कि खेल ग्राउंड में बिजली ज़्यादा खर्च होने से नगर की बार बार बिजली गुल हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, और साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बुधनी नगर में पिछले एक हफ्ते से लगातार बिजली की इतना अभाव चल रहा है, कटौतियां हो रही हैं अघोषित, रात रात भर लाइट नहीं रहती है। उसके बाद भी बुधनी विभाग द्वारा, विद्युत विभाग द्वारा दरियादली दिखाकर दशहरा मैदान में जो नाइट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें मनमाने ढंग से विद्युत प्रदाय की जा रही है, जिसके कारण 7 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर वार्ड को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मी का मौसम है जिसमें विद्युत की बहुत आवश्यकता पड़ती है, विद्युत न होने के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है, बच्चे घरों में कैद रहते हैं, गर्मी पड़ती हुई, टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री पहुंच रहा है। उसके बाद भी विद्युत विभाग द्वारा मनमाने ढंग से नगरीय क्षेत्र की कटौती कर कर खेल मैदान में बिजली पहुँचाई जा रही है, यह निंदनीय प्रश्न है। इसमें सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न ये है कि जिस हिसाब से इस मैदान में क्रिकेट खेली जा रही है वो पूरी तरह से नियमों को ताक में रखे खेली जा रही है। सबसे पहले जो मैदान है नगरपालिका का है, ना तो वहाँ से अनुमति है, ना परमिशन है, ना उसका शुल्क जमा है, ना विधिवत विद्युत कनेक्शन है, और 6 तारीख तक हमारे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। इस क्रिकेट में आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है।
सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।